नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों बेरोजगारों को मिलेंगे अब 3,500 रुपये हर महीने, और ऐसे करके टोटल जो पैसा हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 84,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छी खबर ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए या फिर कैंडिडेट्स के लिए आई है जिनको कि अभी तक किसी वजह से नौकरी नहीं मिल पाई है और वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। उन्हें अगले 2 साल तक राजस्थान सरकार हर महीने 3,500 रुपये का बेरोजगार भत्ता देगी। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, ये जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस योजना का जो नाम है वो ये है कि राजस्थान मुख्यमंत्री बेरोजगार भत्ता एवं अक्षत योजना 2018-19। योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान के मूल निवासी जिन्होंने स्नातक पास कर रखी है उनको राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक माह पुरुष एवं महिला हेतु 3,500 रुपये प्रति माह अगले 2 वर्ष तक दिए जाएंगे, और लगभग यहाँ पर 84,000 रुपये की राशि अभ्यर्थी के खाते में प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना की जो शर्तें और नियम क्या है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दोस्तों, इसी की तर्ज पर केंद्र सरकार भी यहाँ पर बेरोजगारों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से एक योजना शुरू कर रही है, और इसका जो लाभ है वो सभी यानी देश भर में लागू हो जाएगा, देश के सभी जो बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा। और उसके बाद में अभ्यर्थी के परिवार की जो कुल वार्षिक आय है वो 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें अभ्यर्थी के पास में जो है वो उसने स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए, यदि वो स्नातक नहीं है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनको ये भत्ता नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद में जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान सरकार की अन्य किसी जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, यानी अभ्यर्थी ने कहीं और छात्रवृत्ति ना ली हो, और तो उस खाते का विवरण बेरोजगारी भत्ते में ना दें। उसके बाद में यदि एक ही परिवार के अधिकतम 2 अभ्यर्थी इसके हेतु आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आपके पास में SBI का खाता होना ज़रूरी है। यदि आपके पास में SBI का खाता नहीं है तो आपको ये खाता खुलवाना होगा। उसके बाद में इसके लिए आपको जो फॉरम है या आवेदन है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, और इसके लिए आपको रोजगार कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऑनलाइन या फिर जो ई मित्र है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थी ने इस योजना का पंजीकरण एवं भत्ता आवेदन पहले से कर रखा है एवं भत्ता 1 साल तक प्राप्त कर लिया है, उन अभ्यर्थी को भत्ता रिन्यू करवाना ज़रूरी है। तो यदि आप पहले से ले रहे हैं तो जल्दी से आपका जो भत्ता है उसको आप रिन्यू करवा लीजिए, आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ा दी जाएगी, और इसके लिए आप जो भी संबंधित ई मित्र है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए सामान्य वर्ग व OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम एज 30 वर्ष है, बाकी जो ST और SC है उसको यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर, यदि आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अगले 2 साल तक यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से हर महीने 3,500 रुपये और 2 साल मिला के लगभग 84,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी पढ़ाई करने में आगे और प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने में। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।